वेलकम टू प्योर कुकिंग स्टूडियो में मैं सीख कबाब बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी है, देख सकते हैं आप ये कितनी टेस्टी लग रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीख बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए ग्राइंडर के जार में मैंने थोड़ी सी कोथमीर ऐड की है, 5-6 हरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 प्याज तली हुई, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने ग्राइंडर में बहुत सारा मसाला पिसा था तो मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा ऐड कर दिया है ताकि गर्मी ना हो, आप मत ऐड करें। और हाँ, इसका गोश्त जो है वो छन्नी में रखना ज़रूरी है, नहीं तो सीख जो है वो सीख का गोश्त पतला हो जाएगा, बनाने में आसानी नहीं रहेगी। अब हम इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही पिसे हुए जीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड करेंगे। और सारे मसाले जो है वो 500 ग्राम के मटन के हिसाब से हैं। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे और 2 टीस्पून खुले चने की दाल, ये डालना ज़रूरी है, इससे कबाब में बाइंडिंग आएगी। इसमें 2 टीस्पून मैंने तेल ऐड कर दिया, ये ज़रूरी है, इससे बहुत ही मॉइस्ट बनेंगे कबाब। इसमें 2 टीस्पून कर्ड यानी कि दही ऐड किया। अब ये पीसने के बाद में मैंने इसमें देख सकते हैं आप गोश्त ऐड करेंगे, 500 ग्राम गोश्त है। अब हम इसको साथ ही में इसके पीस लेंगे। अब हमारा पिसा हुआ गोश्त का मिक्सचर सारा तैयार है, एक आटे की डो की तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बात का ख्याल रखिए। अब देखिए कि सीख पे लगा के मैं ये सारे कबाब तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास में सीख नहीं है तो आप बेलन पे या फिर स्ट्रॉ पे बना लें। अब देखिए हम सीख फ्राई करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करके सारे सीख एक के बाद एक गरम फ्राई करेंगे और बिल्कुल थोड़े से तेल में ही ये फ्राई हो जाते हैं ये सीख और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसी तरीके से अगर इसे इंजॉय करना चाहते हैं तो हरी चटनी के साथ में और रोटी के साथ में सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये सीख के बिरयानी बनाएंगे। देखिए इतना हमें अच्छे से फ्राई करना है कि ये इसके सारे किनारे जो है वो गोल्डन हो जाएं, बाहर से क्रिस्पी हो जाएं। अब ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम साइड में रख के बाकी के सीख भी फ्राई कर लेंगे। अब सारे सीख तैयार है तो एक कोयला रख के मैंने इस तरह से ऑयल डाल के सीख को धुआं दे दिया ताकि बहुत ही अच्छा इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाए सीख में। अब हमारे कबाब तैयार है तो इसे साइड में रख देंगे, बिरयानी बनाएंगे। तो 150 ग्राम ऑयल गरम करके 1 प्याज मैंने फ्राई करके निकाल ली है गोल्डन, जिस तरह से बिरयानी की प्याज होती है, और 1 प्याज मैंने फ्राई करके इसी में मैंने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। और ये जो मसाला है ये सिर्फ मसाले के लिए हम ऐड करेंगे यानी कि ग्रेवी के लिए, क्योंकि इसमें हम सीख ऐड करेंगे, कबाब ऐड करेंगे तो उसमें तो सारा मसाला है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 200 ग्राम या 1 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही के ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको पका लेंगे। देखिए अब ऑयल ऊपर आ रहा है तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड कर दी है और इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे। और साथ ही में हम इसमें जो मैंने बताया आपको 1 प्याज जो मैंने बड़े साइज़ की बिल्कुल फ्राई करके रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे, ढक देंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। देखिए अब हमारी प्याज घुलने लगी है और इसका सीख कबाब का मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और जो हमने सीख कबाब बना के रेडी करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे। और सीख कबाब डालने के बाद में आप इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच ना हिलाएं, नहीं तो कबाब टूट सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे और बिल्कुल एक लो फ्लेम पर हम इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कबाब का फ्लेवर मसाले में और मसाले का फ्लेवर कबाब में अच्छे से आ जाए। देखिए बीच में एक टाइम मैं इसे हिला रही हूँ और जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। अब देखिए कबाब हमारे बिल्कुल तैयार है, कबाब की यखनी तैयार है, स्टोव की फ्लेम बंद कर देंगे और ये 500 ग्राम का सारा मसाला है और 500 ग्राम गोश्त है तो अब हम राइस भी 500 ग्राम ही बनाएंगे। तो 1 लीटर पानी गर्म कर लिया है मैंने, 1/2 इंच की सिनेमन है, 3 इलायची, 3 लौंग, 2 बेलीफ और सिनेमन, 1/2 टीस्पून शाजीरा है, सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 तेज़पत्ते, थोड़ा सा कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे। अब हम इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे पानी में। अब पानी में बॉईल आ गया है तो 500 ग्राम बासमती राइस है, इसे मैंने धो के रख दिया था, वो ऐड करेंगे। और क्योंकि सीख कबाब हमारे बिल्कुल रेडी है, अखनी बनी हुई है हमारी, तो ये राइस को हमें 80% पकने तक पका लेना है।
अब देखिए राइस अच्छे से पक गए हैं, तो मैं इसे पानी डिस्कार्ड कर दूंगी सारा। और ये सीख जो हमारे सीख कबाब की अखनी है, इसके ऊपर हम आधे राइस की लेयर बनाएंगे, यानी जितने राइस है उसके आधे राइस की हमें क्लियर बना देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राइड अनियन मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी वो, और थोड़ा सा कोथमीर पुदीना ऐड करके बाकी राइस भी हम इस पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और एक राइस की हमें क्लियर बना लेंगे। आप चाहें तो सारे राइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेयरिंग करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी का। इसमें मैंने नींबू का रस ऐड कर दिया, कोथमीर पुदीना और फ्राइड अनियन, और घी ऐड करेंगे 50 ग्राम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, घी की बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है बिरयानी में। और फूड कलरिंग ऐड करेंगे 3 पिंच, आप थोड़ा सा ही ऐड करें क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई यखनी की बहुत ही अच्छी कलर आती है बिरयानी में। अब हम इसको ढक देंगे और ढक के जो है 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हमको पकाना है, क्योंकि सीख कबाब भी तैयार है और राइस भी हमने 80% पकाए थे। देख सकते हैं आप, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सीख कबाब बिरयानी तैयार है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसकी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इसकी पिक्चर मुझसे एक ज़रूर शेयर करें, और लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करें प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।